हाँ पहले लोग बोलते थे लोग कि गाना ऑफिस का बहुत ज़्यादा बज रहा है, तुम्हारा नहीं बज रहा। मैं देखिए सबसे पहले बात की, अरे भत्तरा रही लंदन माथे चंदन कह देला अल्लाहंगा उठावा के अभिनंदन कह देला। ए सखी हो और का जाने कहाँ से सीख ले बसखी हसे जे भसुता के कह दे मोर अधूर गती आ कहमान भी काम आ दन दन कह देला आ भत्तरा रहे लंदन माथे चंदन कह देला अल्लाहंगा उठावा के अभिनंदन कह देला। जी सबसे पहले बात कि चुनौती किसी बात नहीं है, भाई है, हम लोग भाई की तरह रहते हैं, आज भी है, वो भी हम लोग एक ही गांव से हैं, हम और अवधेश जी, सबको पता है, पूरे दर्शकों को पता है, बहुत खुशी होता है, हम लोग अभी भी भाई की तरह रहते हैं, एक साथ मिल के काम करते हैं। बट दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेहदी न्यूज में। दोस्तों बता दें कि देखिए हमारे साथ बैठे हैं विक्की राज जी, अभी काफ़ी सारा गाना इनका काफ़ी ज़्यादा बज रहा है। सबसे पहले विक्की भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। और सबसे पहले मेहदी न्यूज़ जितना भी देखने वाला हमारा श्रोता है, हमारे भगवान स्वरूप भाई हैं, सबको दिल से प्रणाम और आशीर्वाद की कामना रहेगा। और बहुत बहुत थैंक यू आपको भी कि आप मेरे गांव समाज और मेरे एरिया में आए और सेवा का मौका दिए, बहुत बहुत थैंक यू। विक्की भैया अभी आपका एक गाना है जो लहंगा उठा के अभिनंदन कहेला, जो काफ़ी ज़्यादा बज रहा है, दो लाइन सुनाना चाहेंगे? एकदम कहानी सुनाएंगे। और सबसे पहले बज रहा है तो जनता का दिन है, हमारे भाई लोग का दिन है, तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स है और बज रहा है पूरा मार्केट में और सुना रहे हैं। अरे भत्तरा रहे लंदन माथे चंदन कह देला, अरे भत्तरा रहे लंदन माथे चंदन कह देला अल्लाहंगा उठावा के अभिनंदन कह देला। ए सखी हो अल्लाहंगा उठावा के अभिनंदन कह देला, और का जाने कहाँ से सीख ले बसखी हसे जे भसुता के कह दे मोर अधूर गती आ कहमान भी काम आ दन दन कह देला आ भत्तरा रहे लंदन माथे चंदन कह देला अल्लाहंगा उठावा के अभिनंदन कह देला। अच्छा ये ग्राउंड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बज रहा है, आर्केस्ट्रा में बज रहा है, ये गाना कब शूट हुआ था, कब आपने सोचा कि इस गाने को बनाया जाए? ये जो गाना मोटा मोटी 6 महीना हो गया, 6 महीने पहले इस गाने का रिकॉर्ड हुआ था, जो कि बहुत ही डीजे मनीष जी का स्टूडियो में वहाँ पर रक्सौल में रघुनाथपुर में हुआ था और उनका भी ही म्यूजिक किया गया है और वीडियो दिल्ली में हुआ था शूट। उस टाइम हमारे भाई लोग भी थे, मिट्टू भाई लोग सब कोई थे वहीं पे और वहीं पे वीडियो डायरेक्टर अरविंद राजा जी के द्वारा शूट किया गया और बहुत अच्छा शूट हुआ और रिलीज होते ही धमाल मचने लगा मार्केट में, भी अच्छा खासा आ गया। कितना और सबसे पहले बात कि जिस दिन मेरा बर्थडे था 24 अगस्त, अच्छा उसी दिन ही ये गाना रिलीज हुआ था। अच्छा उसी दिन मेरा बर्थडे का केक भी कटने वाला था रात को और सुबह में गाना लगभग 6:45 के करीब में रिलीज हुआ था उसी दिन 24 अगस्त को। आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, डेट लिखा होगा, उसी दिन रिलीज हुआ था। सब भगवान स्वरूप जानता लोगों का आशीर्वाद प्यार है मिला और बज रहा है गाना, मतलब ये आपके लिए लकी गाना है। जी बहुत, इसके पहले भी बहुत सारा गाना बजा है लेकिन ये जो बज रहा है कुछ अलग लेवल में बज रहा है, काफ़ी ज़्यादा बज रहा है। कितना व्यू है इस गाने को? इस गाने का व्यू अभी रिया फिल्म्स ऑफिशियल चैनल पे 12 मिलियन और 6 लाख है, 12 मिलियन 6 लाख हुआ है। और एक और चैनल है रिया फिल्म्स का मेन चैनल, उसमें भी लगभग लगभग 2 मिलियन है, एक और चैनल पे है 1.5 मिलियन, अगर सबको जोड़ा जाए तो 18-17 मिलियन से ज़्यादा ही होगा, मतलब 17-18 मिलियन से ज़्यादा ये चला है। आर्केस्ट्रा में जैसे रील वगैरह होता है और आर्केस्ट्रा का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे देखा गया इस गाने के लिए। ऑर्केस्ट्रा में तो धमाल ही मच रहा, नाच वगैरह जो भी है, रथ उथ जो भी सभी पूरा, मतलब जहाँ देखिए स्टार्ट हो रहा है इसी गाने से और बंद भी हो रहा है प्रोग्राम। और
बहुत रिस्पांस, और इंस्टा पे भी बहुत सारा ढेर भाई लोग बनाए हैं, इंस्टा भी बहुत ढेर सारा इसका व्यू है और बहुत बना है, तो बहुत दिल खुश रहता है कि हम लोग कोशिश किए और आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है। अच्छा, जैसे कि अभी और भी कोई प्रोजेक्ट आने वाला है जो उसी तरह कुछ अच्छा लेवल का गाना सुनने को मिले हमारे दर्शक को? अभी तो ढेर सारा गाना रिकॉर्ड हुआ है और अभी पटना गए थे, शूट हुआ है, बहुत सारा गाना शूट हुआ है और एक पर एक धमाका भी आज कल भी एक गाना रिलीज हुआ है रिया फिल्म्स ऑफिशियल चैनल पे, सैया के पछुआ में कछुआ कटा है। अच्छा, उसके पहले भी अभी हमारे मिठू भाई भी लिखे हैं गाना है, वो बहुत मतलब धमाकेदार आ रहा है एक सॉन्ग, बहुत जल्द डायरेक्ट वीडियो के द्वारा देखा जाएगा, तो बहुत ही खूबसूरत, तो बहुत ही सबसे अब तक का सबसे अलग हटके उस गाने को किया गया है, शूट भी अच्छा हुआ है, बस आने का देरी है, और एक पर एक तैयार किया गया है, रिकॉर्ड भी हुआ और रिकॉर्ड अब होने वाला भी है, तो बस भगवान स्वरूप जनता से यही आग्रह है, नम्र निवेदन है कि आगे जो भी आए सबको प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, बस इसी तरह प्यार आप लोग देते रहिए और हम अच्छा करेंगे। विकी भाई, जैसे कि मैं आपके गांव में आया हूं अभी, जैसे कि ये कौन सा गांव है? ये अभी महुआई गांव, मेरा ही पंचायत पड़ता है, लेकिन मेरा घर गुरमिया हुआ, सब एक ही पंचायत है, लेकिन अच्छा, गुरमिया पंचायत के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये इस एरिया में कलाकार की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो भी स्टार लोग भी हैं, तो जैसे अवधेश प्रेमी हो गए, धनंजय धरकन इधर लाल बेगिया साइड में हो गए, मतलब तमाम स्टार लगभग इस एरिया में हैं, तो आपको कितना ये स्ट्रगल करना पड़ा कि भाई ये हमारे गाँव के ही बंदे अवधेश प्रेमी यादव जी बज रहे हैं, हमें भी बजना है? देखिए, सबसे पहले हम यही कहेंगे कि जो भी है मेरे भाई अभी बज रहे हैं, पहले बहुत पहले से स्टार हैं, और दिल खुश रहता है कि चलो मेरे गांव समाज में मेरे एरिया का भाई आगे बढ़ रहा है, तो बहुत खुशी होती है। तो मैं भी सोचा कि मैं भी, मुझे भी बचपन से शौक था गाना गाने गाएंगे, तो पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करते करते मैं गाना गाने लगा, और हम भी मतलब ठान लिए कि गाएंगे और बजना है मुझे आगे, मुझे भी आगे बढ़ना है, तो मेहनत किए तो पर नाम मिल रहा है, भगवान स्वरूप दर्शक लोगों का दुलार मिल रहा है। लेकिन तो पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि मैंने अवधेश प्रेमी यादव जी के साथ शुरुआत किया है। जी, ये तो सही है, उनके साथ मैं पहले काम किया हूँ, उनके साथ रहते थे, उनको सपोर्ट करते थे, हम लोग भाई की तरह रहते थे, और आगे चल करके मुझे भी लगा कि मुझे भी गाना चाहिए, वो तो स्टार है ही, तो उनका जो वजह है तो आप सब पूरा लोग जानते हैं कि कितना वजह है, तो मैं भी सोचा कि मुझे भी गाना चाहिए, तो गाया गाना। लेकिन आप बड़ी चुनौती दी है अपने गांव के कलाकारों को, क्योंकि आप भी कोई स्टार हैं आपके गांव से, और उसमें आपका गाना बजना ये बहुत बड़ी चुनौती है, और उनके वीडियो में काम करते थे एक वक्त मैंने देखा था, और आज आपके गाने हिट हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले बात कि चुनौती किसी बात नहीं है, भाई है, हम लोग भाई की तरह रहते हैं, आज भी है, वो भी हम लोग एक ही गाँव से हैं, हम और अवधेश जी, सबको पता है, पूरे दर्शकों को पता है, बहुत खुशी होता है, हम लोग अभी भी भाई की तरह रहते हैं, एक साथ मिल के काम करते हैं, बट वो भी गाते हैं, हम भी गाते हैं, मेरा भी मतलब गाना बहुत सारा भी हाल फिलहाल में एक दो गाना मेरा रिकॉर्ड खुद अपने से रह के रिकॉर्ड किए हैं, मिक्सिंग किए हैं अवधेश जी, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सपोर्ट उनसे भी मिलता है, और स्टार्टिंग से मैं सपोर्ट तो उनको किया हूँ, तो बहुत चुनौती की बात नहीं है, गाना गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं, वो भी गा रहे हैं, सब भगवान। फिर भी लोग, जैसे गांव के लोग तो बोलते होंगे कि भाई तुम भी गा रहे हो, अवधेश प्रेमी अवधेश पे खुश रहते हैं, लेकिन कुछ तो बोलते हैं ना कि भैया अवधेश प्रेमी यादव जी का गाना बज रहा है लेकिन तुम्हारा नहीं बज रहा है। हाँ, पहले लोग बोलते थे लोग कि गाना अवधेश का बहुत ज़्यादा बज रहा है, तुम्हारा नहीं बज रहा है। देखिए, सबसे पहले बात की हम लोग नए नए अभी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट किए हैं, कभी ना कभी तो बजेगा, तो आज बज रहा है और बहुत खुशी मिलता है। पर सबसे पहले बात, मेरे गांव के लोग बहुत खुश रहते हैं कि चलो मेरे गांव में दो दो लड़का गाना गा रहा है, दोनों का गाना बज रहा है, अच्छा खासा रिस्पांस है, सब लोग खुश रहते हैं और बहुत प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और खुश नहीं। तो दोस्तों, ये थे विक्की राज जी, जो अवधेश प्रेमी यादव जी के गांव से ही हैं, एक साथ काम करते थे, लेकिन अब खुद के गाने इनके काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहे हैं, जैसे आपने सुने होंगे कई सारा गाना अभी इनका बज रहा है मार्केट में, मिलियन टू मिलियन व्यू जा रहा है। विक्की भाई, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि अभी हर फिर एक और गाना मेरा टिकटॉक पर अभी पूरा छाया हुआ है नेपाल में। कौन से गाने हैं? दो लाइन सुनाएं। जी, अरे लड़की ढूंढन में चला,
लड़की मिले ना कोई, सब लड़की सन भैया कहे सोहिया कहे ना कोई रे हरावा, सोहिया कहे ना कोई। ये गाना बहुत ही रिस्पॉन्स है और इसका वीडियो भी रिलीज हो चुका है रिया फिल्म्स ऑफिशियल पे। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे दर्शक, मेरे भगवान स्वरूप, मेरे जनता मुझे देख रहे हैं, तो आप सबसे यही विनती है, आग्रह है, नम्र निवेदन है मैं भोजपुरी गायक बीकी राज की तरफ से कि आप लोग जो भी गाना आप लोग सुन रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आगे जो भी गाना मेरा आएगा सबको सुनिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, बस आप लोगों का आशीर्वाद का कामना रहेगा। इसी तरह प्यार देते रहिए, सुनते रहिए, बस मैं मेहनत करता रहूँगा और आप सभी को इंटरटेन करता कराता रहूँगा, बस यही कामना है, आप सबसे यही विनती है। चलिए भैया, मेरा भी शुभकामना आपको, काफ़ी ज़्यादा गाना बज रहा है इसके लिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप हमारे चैनल से जुड़े, इसके लिए समय दिए, थैंक यू जी। और सबसे पहले यही कहूँगा कि जितना भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मेहदी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट हो, जो भी अपलोड हो, सबका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आप सभी के मोबाइल के ऊपर चला जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे विनती है, आग्रह है कि जिस तरह मेरे गाने को आप लोग सुनते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उस तरह इस चैनल को भी दीजिए, मेहरी न्यूज़ को, और आगे बढ़ाइए ताकि मेरे भाई भी बहुत नाम कमाए, आगे बढ़े। लव यू। चलिए, थैंक यू।